Good morning, students. Good morning, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board the present session of Daily Current Affairs Express on India's largest online learning platform, that is Unacademy. तो अनअकैडमी के YouTube चैनल अनअकैडमी यूपीएससी आर्टिकुलेट में आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में. Before proceeding ahead, students, let me know if I'm audible and visible so that we may proceed ahead in today's session. Yes, good morning, नमस्कार, जय हिंद. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में. एंड दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड द पास्ट वन डिकेड इन ऑफलाइन मेंटरिंग, पास्ट टू इयर्स इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन अनअकैडमी. इन यूपीएससी आई हैव अपीयर ट्वाइस फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट इन माय फोर अटेम्प्ट्स एंड फोर मेंस. आई हैव आल्सो वर्कड एज Assistant Commissioners of Sales Taxes in Uttar Pradesh State Services for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Telegram channel Unacademy _ Anurag Singh, जुड़ जाइएगा इस session के free PDF and further updates के लिए. और मैं advise करूंगा, download the Unacademy learning app, subscribe either upon the plus or upon the iconic platform. आप देख सकते हैं mains test series भी available है. Use code Anurag2 and enroll for this test series. First test was on 18th June. And optional test series, use code Anurag to enroll for the optional test series as well. And UPSC CSE GS Mega Combat, June 26 ko scheduled hai 11 AM per Sunday ko. Use code Anurag to enroll for this test, free test, and win scholarships and subscriptions. Iconic Bonanza offer chal raha hai 25 tarikh tak. Aap dekh sakte hain CSE Assure, one extra credit per month and practice prelims booklets worth ₹7,500. और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे आपको पता ही है. स्टूडेंट्स, पर्सनल कोच, 1:1 लाइव मेंटरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड ओपन हाउस विद एजुकेटर्स. यूज कोड अनुराग टू गेट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इन योर सब्सक्रिप्शन बॉक्स. एंड ये देखिए प्लान्स 1-3 इयर्स के प्लस कॉम्बो एंड आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन. कॉम्बो का मतलब होता है जीएस एंड ऑप्शनल, एंड प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ जीएस, एंड यू कैन सी द ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन ऑफ जीएस, यू कैन सी इट हियर. Any scenario, use code Anurag to get the subscriptions and get 10% off and also get my notes, booklets and PDF free of cost. Loans are available at 0% interest rate for the subscription, and you can see Pathfinder weekly current affairs test is available every Saturday, free test 5 PM. Use code Anurag to enroll for this test. Nay batches June 22 se launch ho gaye hain, yani kal se, and this is my profile link, Anurag IMS, search कीजिए and follow कीजिए. And best special classes and plus courses and YouTube videos follow कीजिए मेरे साथ. चलिए आगे बढ़ते हैं. 30 जून है आज, तो करंट अफेयर्स आपको पता ही हम लोग कैसे चेक करते हैं. एंड आई होप यू हैव नाउ क्लियरली कम आउट टू नो दैट हाउ टू स्टडी द टॉपिक्स, इंडिविजुअल टॉपिक्स. तो ये देखिए डीकोड इंटरलिंक अप्रोच किस चीज के लिए, मेंस के लिए. डीकोड द न्यूज, इंटरलिंक्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द मेंस सिलेबस. एंड 360 डिग्री अप्रोच किस लिए है, प्रीलिम्स के लिए है. बैकग्राउंड कंप्लीट, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ही आ रहे हैं प्रीलिम्स में. मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वियतनाम का सवाल इस बार आया था, या अगर आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आ रहे, इनडायरेक्टली आ रहे हैं, और उसके लिए आपको 360 डिग्री अप्रोच होना जरूरी है. आइए स्टूडेंट्स, निकालिए एटलस. एटलस के बिना तो काम होता ही नहीं है करंट अफेयर्स का. टेक आउट जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मेन सिलेबस, टेक आउट न्यूज नोटबुक एंड 3-4 कलर के पेन, अपने पसंदीदा कलर के पेन निकाल लीजिए. चलिए आगे बढ़ चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन में. लेट्स सी फर्स्ट न्यूज कमिंग अप ऑन द स्क्रीन. इकोलॉजी एनवायरमेंट के फील्ड से आप देख सकते हैं पहला न्यूज, 4 न्यू कोरल्स रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडियन वाटर्स. आप देख सकते हैं, तो द हिंदू का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, फ्रंट पेज का न्यूज आया है, कोरल पॉलिप्स, कोरल रीफ. द स्पीसीज न्यूली फाउंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिलोंग टू द सेम फैमिली. सो साइंटिस्ट हैव रिकॉर्डेड 4 स्पीसीज ऑफ कोरल्स फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम इंडियन वाटर्स. दिस न्यू स्पीसीज ऑफ ज़ूओज़ैंथेलेट कोरल्स वर फाउंड फ्रॉम द वाटर्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. They are deep sea corals. Deep sea corals, yes.
अगर हम केवल ये कहें स्टूडेंट्स दैट कोरल्स आर ओनली फाउंड इन शैलो वाटर्स, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा. ठीक है, हमें इतना पता है कि कोरल्स के लिए कोरल्स को लाइट की जरूरत पड़ती है फॉर फोटोसिंथेसिस. ये देखिए, बिकॉज एल्गी मैन्युफैक्चर करता है फूड. ये देखिए, लेकिन स्टिल देर आर सम रिलेटिव्स ऑफ कोरल्स, कुछ रिश्तेदार हैं जो नीचे के समुद्र के पानी में पाए जाते हैं. आप कहिएगा सर कैसे वो लोग सर्वाइव करते हैं. सी लाइट का इंटेंसिटी कम भी रहेगा तो चलेगा. एंड मेनी ऑफ दिस कोरल्स ऑल्सो शिफ्ट टुवर्ड्स द एल्गी, शिफ्ट टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस वाया मैन्युफैक्चर ऑफ फूड वाया केमोसिंथेसिस. केमोसिंथेसिस सुना है, मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में. सो दीज आर डीप सी रिप्रेजेंटेटिव्स विद द मेजोरिटी ऑफ स्पीसीज बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम डेप्थ बिटवीन 200 मीटर्स एंड 1000 मीटर्स. देखिए फोर्टिक जोन के नीचे का डेप्थ है. फोर्टिक जोन जानते हैं, मुझे बताइए चैट बॉक्स में. ये देखिए फोर्टिक जोन. They are also reported from shallow waters, unlike zooxanthellate corals that are restricted to shallow waters. ये देखिए, so zooxanthellate algae पाए जाते हैं shallow waters में, and these are a zooxanthellate corals. आप देख सकते हैं a and attached है पहले. ये देखिए, देखिए students, details publish किए गए, Zoological Survey of India ने publish कर दिया. देखिए कितने beautiful pictures हैं. देखिए, देखिए लगता है किसने drawing बना दिया है इनका. ये देखिए, ये corals हैं इनफैक्ट. ये देखिए, अब सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स दैट कोरल पॉलिप्स में मैंने एक्सपेक्टेड एरियाज में डिस्कस किया था जस्ट प्रीलिम्स एग्जाम के पहले. क्या कोरल्स आर ससेप्टिबल टू ब्लीचिंग डिपेंडिंग ऑन वेरियस कंडीशंस? टेल मी, क्या मैंने बताया था आपको कि लॉन्ग लिविंग कोरल्स आर लेस ससेप्टिबल टू ब्लीचिंग, मोर ब्रांचिंग कोरल्स आर मोर ससेप्टिबल टू ब्लीचिंग? क्या मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था एक्सपेक्टेड एरियाज में इस बार के प्रीलिम्स के लिए? कोरल ब्लीचिंग एंड कोरल जो रीफ्स हैं उसके एग्जिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. कोरल ब्लीचिंग इज द डेथ ऑफ कोरल्स. लेट मी टेल यू, इट डिपेंड्स अपॉन बोथ एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स. मैं बता दूंगा आपको. ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चा लोगों को अगर आ गया कोरल ब्लीचिंग का टॉपिक या जीएस ज्योग्राफी में आ गया मेंस में, तो सर क्या लिखना है? एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं. मैं बता दूं आपको, लेट मी टेल यू, द फर्स्ट इज हाई टेम्परेचर, सेडिमेंटेशन, पॉइजनिंग ऑफ द कोरल्स, टूरिज्म. ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आती हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में. और आपको लगता है आप लिख कर आपको 10 में 10 मार्क्स आएगा. रॉन्ग 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 अप्रोच. डोंट यू थिंक देयर आर सम इंटरनल फैक्टर्स टू? यस, कि वो कोरल पॉलिप किस स्पीसीज का है, कितने वर्ष से रह रहा है, ये सब किसी किताब में नहीं कवर किया गया, न्यूज़पेपर्स में कवर होता है. लेट मी टेल यू, एंड दिस इज व्हाट मेक्स करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू एग्री. टेल मी, आई विल अटैच द पीडीएफ ऑफ दैट कोरल ब्लीचिंग इंटरनल फैक्टर्स. देख लीजिएगा उसको अच्छे से, और जिसने लिख दिया इंटरनल फैक्टर्स के साथ में उसे मार्क्स नहीं कट होंगे. मैं बता दूं 10 में 10 नंबर आएगा अगर सवाल ऐसा आ गया जीएस ज्योग्राफी में. तो इवन ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, एनी बुक यू आर फॉलोइंग, सविंदर सिंह फॉलो कर रहे हैं, कोई किताब फॉलो कर रहे हैं, मैं बता दूं किसी किताब में कंप्लीट नहीं दिया हुआ इंफॉर्मेशन. लेट मी टेल यू, और यहां देखिए लिखा हुआ है सॉलिटरी कोरल्स. यहां देखिए लिखा हुआ है The A zooxanthellate corals are a group of hard corals, and the four new species recorded are not only solitary but have a highly compressed skeletal structure. ये अकेले पाए जाते हैं, UPSC aspirant की तरह हैं जो ही पाए गए हैं. Internal factors depend करता है, देखिए ध्यान दीजिएगा. What are the internal factors जिस पे coral bleaching depend करता है? ये बता ही दे रहा है, मैं PDF attach कर दूंगा, लेकिन तीन factors हैं, मैं बता दूं यहाँ पे 2 minutes. पहला, the टोटल लाइफ ऑफ द कोरल. जो कोरल्स ज्यादा पुराने हैं क्या वो ज्यादा अडेप्टेड रहेंगे? यस. सेकेंड, ब्रांचिंग अमंगस्ट द कोरल्स. तो लाइफ जितना जितना ओल्ड है, मींस जितना ज्यादा समय से वहां रह रहा है वो कोरल रीफ, उतना ज्यादा अडेप्टेड, उतना कम कोरल ब्लीचिंग. सेकेंड, ब्रांचिंग ऑफ कोरल्स.
जो जितने ज्यादा ब्रांच रहते हैं कोरल्स, उतने ज्यादा कोरल ब्लीचिंग के लिए ससेप्टेबल, यानी कि मोर ब्रांचिंग लीड्स टू मोर कोरल ब्लीचिंग एंड थर्ड पिगमेंटेशन। ये देखिए, अगर अलग अलग पिगमेंट के कोरल्स हैं तो समझ लीजिए कि कुछ दिक्कत है। दे आर रिलीजिंग कलर्स इन रिस्पॉन्स टू, दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन टेम्परेचर, गेटिंग इट। तो जो कोरल्स पाए गए अंडमान निकोबार में नीचे के समुद्र में, वो सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरह हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। आई होप यू एग्री कि आपको भी अकेले रहना पसंद है, अपने रूम में पढ़ते रहना, ठीक है। यूपीएससी में एक कंसेप्ट है स्टूडेंट्स सॉलिट्यूड का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइसोलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिट्यूड। लोगों को लगता होगा कि आप अकेले रह रहे हैं तो आपको टेंशन है, नहीं, किसी को नहीं पता कि आपको अकेले ही रहने में और अकेले पढ़ाई करने में, नो डिस्टर्बेंस करने में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। सॉलिट्यूड कहते हैं, यू स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी। डू यू एग्री, टेल मी। तो देखिए, वैसे ही ये कोरल्स भी हो जाएंगे, सॉलिटरी भी रहेंगे और सॉलिट्यूड में चले जाएंगे ये विद टाइम। देखिए सॉलिट्यूड अलग शब्द है लेकिन मेंशन यहां कर रहे हैं। तो आपके फैकल्टी जो है, टीचर है, वो भी सारे टीचर्स भी वैसे ही सॉलिट्यूड में, ठीक है, एंजॉइंग द स्टडीज एंड आपको भी एंजॉय करना, एंड इन दिस वे ओनली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द यूपीएससी। तो ये स्टूडेंट्स, ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता दूं आपको। क्या ये प्रीलिम्स में आएगा? प्रीलिम्स में नहीं चांसेस है आने का, मैं बता दूं फ्रेंकली टॉकिंग। सवाल ये आ सकता है, पेयर्स में आ सकता है, न्यू कोरल स्पीसीज डिस्कवर्ड रीजन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इतना आ सकता है, इसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है। प्रीलिम्स में एक और सेकंड पॉइंट आ सकता है स्टैटिक पोर्शन से, मैं बता दूं कोरल रीफ कहां कहां इंडिया के आसपास पाए जाते हैं। आर दे फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार? टेल मी स्टूडेंट्स, मुझे बताइए, आर दे फाउंड इन अंडमान निकोबार बेल्ट? यस, देखिए सामने देखिए, निकोबार आइलैंड उसी से बने हुए हैं, ठीक है, कोरल रीफ से। आर दे फाउंड इन गल्फ ऑफ खंबात? यस, ये मेजर एरिया से जहां पे कोरल रीफ पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है मेंस के लिए? मेंस में अगर कुछ भी सवाल आया कोरल ब्लीचिंग पर, कोरल रीफ्स पर, मेंस गिव्स यू अ स्कोप ऑफ राइटिंग एनीथिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो पुट अप कर दीजिए, अपना ज्ञान दर्शा दीजिए एग्जामिनर के सामने, देखिए मुझे पता है, द हिंदू में आया था ये न्यूज, मैंने पुट अप कर दिया। एंड यस लक्षद्वीप, यस करेक्ट, इज इट क्लियर? टेल मी स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ जाए। प्रोटेस्ट अगेंस्ट मूव टू शिफ्ट प्रपोज्ड हेरिटेज पार्क इन मणिपुर। ये देखिए, ये ब्राउन एंटलर डियर है, ये जिसका चेहरा दिख रहा है बहुत सीधा लग रहा है, ये इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं, ये इसको सांगाई डियर भी कहते हैं, सुना है आपने? टेल मी, बहुत सीधा लग रहा है, देखिए सेम एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। ये देखिए 2 मिनट्स। तो क्या ये ब्राउन एंटलर डियर, डांसिंग डियर, डांस करता रहता है? डांस करने का मतलब क्या, क्या वाकई में डांस करता है? डांस नहीं करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या बताया आपको कि इसको क्या परेशानी है, आइए देखते हैं क्या परेशानी है इसको। ये जहां रहता है वहां पे ऐसा रीजन है, इसे कहते हैं फुमदीज, PHUMDIS। ये देखिए फुमदी, ये जितना आप फ्लोटिंग आइलैंड्स देख रहे हैं ना, PHUMDIS, मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, थोड़ा पेन में दिक्कत चल रही है, मैंने बताया हुआ है फुमदी, PHUMDIS। फुमदी आर सेमी डीकम्पोज मटेरियल इन द लेक। ये कौन सा लेक है? लेक लोकताक है मणिपुर में, सुना है आपने? चल मी, ये लेक लोकताक मणिपुर में है, यही पे एक ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, त्रिपुर लमजाओ नेशनल पार्क, देखिए यहां पे, सुना है? सवाल आया यूपीएससी में 2016 में प्रीलिम्स में, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड इज लेक केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, लेक लोकताक। अब शब्द सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहीं पे आप फंसते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है, सुनिएगा। दिस इज द लास्ट नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट है, दिस इज नॉट द लास्ट हैबिटेट, दिस इज द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ब्राउन एंटलर डियर सांगाई, द डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। द पार्क इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ लेक लोकताक।
अदर वाइल्ड लाइफ यहां दिया हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट नेचुरल हैबिटेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये शब्द या क्या ये फ्रेज याद रहेगा मुझे बताइए। आइए देखते हैं लेक लोकताक के बारे में कुछ डिटेल्स। ये सब मैंने 3 साल से जो करंट अफेयर्स पोस्ट किए आपको वहीं से मैंने उठाकर यहां पुटअप कर दिया। देखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट, लोकेटेड एट मोयरांग इन मणिपुर। और ये विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में, मैं बता दूं आपको विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसी में ये लोकेटेड है। दिस लेक इज नोन फॉर इट्स सर्कुलर फ्लोटिंग स्वाम्स कॉल्ड फुमडीज इन लोकल लैंग्वेज। The term fundi is referred to a collection of heterogeneous mass of vegetation, soil and organic matter at various stages of decomposition. Sangha is the state animal of Manipur. Its hooves are adapted to walk on the fundis. Fundis pe wo chalta hai aur lagta hai ki dance kar raha hai. Theek hai. Aapko lagega kaise chal raha hai uske upar. Kuch log hansenge bhi. To main bata dun aur koi chal nahi payega fundis ke upar. Ye dekhiye. Iske upar koi chal payega mujhe bata dijiye. It is next to impossible to walk upon these fundis. Ye dekhiye. And the lake is now endangered with innumerable threats like pollution, decline in diversity of the flora and fauna, and thinning of fundis. And ek team banaya gaya hai jo initiate karega UNESCO World Heritage Site ke liye Lake Loktak ka naam diya jayega. World Heritage Site ke liye. ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस क्या है? डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स दैट उसके बाद इसकी फंडिंग आएगी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए? ठीक है, क्या ये लेक लोकताक आल्सो रामसर कन्वेंशन में है मुझे बताइए, रामसर कन्वेंशन। और देखिए इसी का न्यूज आया, अब न्यूज पे आते हैं हम लोग। हम लोगों ने 360 डिग्री कवरेज कर लिया, नाउ कमिंग बैक टू न्यूज। Member of 7 youth club, people from all walks of life and women activists in the villages surrounding the Kebul Lamjao National Park in Manipur have now started protesting to ensure that the government does not shift the proposed heritage park from this site. Isi jagah pe ek heritage park aana tha, usko shift karne ki baat chal rahi hai. Kebul Lamjao National Park is 53 kilometers away from Imphal in Bishnupur district. ठीक है, एंड इट इज होम टू एंडेंजर्ड स्टेटस है ब्राउन एंटलर डियर का, सांगाई का। देख लीजिएगा, क्या ये क्लियर स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए, क्या इतना क्लियर है मुझे बता दीजिए। ये प्रीलिम्स का इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं आपको, अगर आप पॉलिटिकल सिलेबस देखिएगा, पॉलिटिकल सिलेबस में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे गवर्नेंस का सिलेबस देखिए क्या दिया हुआ है यहां पे स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ एनजीओस ये देखिए, द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस ये देखिए, यहां पे क्या पुट कीजिएगा एग्जांपल ये देखिए, एनवायरनमेंट के फील्ड में एनजीओस का रोल देखिए, यहां पे मेंबर ऑफ 7 यूथ ऑर्गेनाइजेशंस ये देखिए, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड वुमन एक्टिविस्ट इन द विलेजेस ये देखिए, क्या एग्जांपल है गवर्नेंस का। इज दिस क्लियर? लेट मी नो स्टूडेंट्स, इसे जरूर से नोट कीजिए इस चीज को। तो मेंस में रोल ऑफ एनजीओस, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुपिंग्स, रोल ऑफ एम्पावर्ड पीपल, वुमेन एम्पावरमेंट, क्या आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं मुझे लिख के बताइए चैट बॉक्स में, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मैं बता दूं, देखिए एक ही न्यूज कहां कहां लिंक हो रहा है, आप देख रहे हैं ना। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए कहीं और उस फील्ड में इंपॉर्टेंस है, प्रीलिम्स के लिए एनवायरनमेंट के फील्ड में इंपॉर्टेंस है इस न्यूज का, और मेंस में गवर्नेंस के फील्ड में इंपॉर्टेंस है इस न्यूज का। क्या हम लोग आगे बढ़ चले स्टूडेंट्स, लेट मी नो। चलिए नेक्स्ट न्यूज, आज से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का तो न्यूज ही न्यूज आएगा। ठीक है, बहुत चिंता की बात, चिंता की बात क्यों, सिलेबस बढ़ गया आप लोगों का भाई। सिलेबस कैसे बढ़ गया? महाराष्ट्र में कुछ अकरेंस हुआ, और कुछ दिक्कत हो ना हो, ठीक है, यूपीएससी का सिलेबस बढ़ गया, कुछ ना कुछ अब पढ़ना पड़ेगा आपको। ये देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ एंड व्हाई द प्रेजेंट कंट्रोवर्सी इन महाराष्ट्र हैज क्रॉप्ड अप। ये देखिए यहां पर, तो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट क्राइसिस में चली गई, आपको ही पता है।
सेकेंड पॉइंट, ये क्राइसिस में जाने का वजह है दैट वन ऑफ द रूलिंग वन ऑफ, देखिए जो गवर्नमेंट बनाई गई थी वो तीन पार्टीज की कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें एक पार्टी में रिबेल एमएलएस रिबेलियन हो गया है, थोड़ा विद्रोह हो गया है, और उसी पार्टी के सीएम साहब थे, और चिंता की बात यह है दैट अच्छे खासे एमएलएस टूट के अलग हो गए हैं। सूरत में पिछले दो तीन दिन से सूरत हैड बिकम द मींस न्यूज कैपिटल ऑफ इंडिया, आपको भी पता है, यानी बाकी सारी चीजें साइड कीजिए, सूरत पे पहली बार फोकस पूरे विश्व का कि वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया हुआ इस बार इंडिपेंडेंट एमएलएस को लेकर, और मैंने ये पढ़ाया था टॉपिक आप लोगों को एक्सपेक्टेड एरिया में। डू यू एग्री, टेल मी इन द चैट बॉक्स। अनफोल्डिंग पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र हैज थ्रोन, अब देखिए कुछ भी हो इसका रिजल्ट हमें, वी आर ए पॉलिटिकल पीपल, ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटर्स आर ए पॉलिटिकल, आपको ए पॉलिटिकल होकर चलना है, अभी कम से कम अभी चलना है, ठीक है, बाद में मैं नहीं जानता आप क्या कीजिएगा, लेकिन एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट यू हैव टू बी ए पॉलिटिकल, डोंट टेक साइड्स ऑफ एनी पार्टी, लेट मी टेल यू, कुछ भी हो हमें पढ़ना है जो संविधान में दिया हुआ है और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। आइए देखते हैं। On Wednesday, the ruling party called a meeting of all its MLAs in Mumbai. Some of the legislators have aligned themselves with the party's rebel leader, all of you know the name, and are camping in Guwahati. Guwahati भी चले गए ये लोग, ठीक है। इतनी तेजी से एरोप्लेन उड़ा सूरत से गुवाहाटी के लिए। शुक्र है गुवाहाटी तक ही एरोप्लेन जा रहा है, नहीं तो बाहर विदेशों में भी जा सकता है। कल को आपको सुनने में आएगा 10 साल के बाद कि टोरंटो में कैंप लगाए हुए या लंदन में कैंप लगाए हुए, तो चिंता की बात होगी। The party has warned its MLAs that their absence from the meeting would lead to the presumption that they wanted to leave the political party and this would therefore lead to action against them under the anti-defection law. What is the anti-defection law and would it apply to the Sena rebels? The anti-defection law provides for a disqualification of MLAs. Kya ye 10th schedule mein diya hua mujhe chat box mein bataiye students. इसमें क्या एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए? यस। या एमपीस के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए? यस। इज इट टू स्टॉप द आयाराम गयाराम कंसेप्ट? टेल मी। और मुझे बताइए क्या ये लोग तो जो डिफेक्टर्स होते हैं ये पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। अभी मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट भी परेशान है, कैसे क्या किया जाए, कुछ गेम किया जाए, मीन्स जो भी चल रहा है, ठीक है। So after being elected, आप देखिए किसी और पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से जीत रहे हैं और उसके बाद पार्टी छोड़ दे रहे हैं, तो दिक्कत की बात है ना, मुझे बताइए। इसका ये साफ मतलब है, हो सकता है आप उस पॉलिटिकल पार्टी के कारण ही जीते हों। डू यू एग्री टेल मी? एंड यही वजह स्टूडेंट्स दैट दैट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस हैज टू बी डेल्ट विद आउट हियर बिकॉज दे आर लीविंग द पार्टी ऑन द टिकट ऑफ विच दे वर चोजन। The Supreme Court has interpreted the term broadly and ruled an MLA's conduct can indicate whether they have left their party. Supreme Court ka dekhiye bahut bada point hai. Wo MLA ya MP leave nahi karega party, fir bhi ye conclusion liya ja sakta hai ki usne party leave kar diya agar uska conduct party ke khilaf hai to. Dhyan dijiyega. Getting the point? Jaise party ne kaha ki chalo Delhi, chala gaya Guwahati. Theek hai. Ya chalo Bombay, chala gaya Guwahati. Supreme Court ne kaha tab samajh mein aa jana chahiye ki ya to uska कान खराब है, ठीक है, हो सकता है, और नहीं तो उसका कंडक्ट ये बता रहा है दैट वो पार्टी लीव कर दिया। ये देखिए क्यों टिकट लेगा गुवाहाटी का जब बॉम्बे जाने के बोला गया तो, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट एमएलएस, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इन केस दे डू सो दे कैन लूज देयर मेंबरशिप इन द लेजिस्लेचर। क्या उसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन है? टेल मी स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट एमएलएस को कोई टाइम ड्यूरेशन दिया गया जिसके अंदर उन्हें ज्वाइन करना है पॉलिटिकल पार्टीज को? टेल मी, गेटिंग इट? नाउ यू आर गोइंग टू, यू कैन इजीली कंक्लूड, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से इसने पुट अप किया है दैट कंडक्ट ऑफ एन एमएलए और एमपी कैन गिव अस अ हिंट दैट वेदर द पार्टी वेदर ही हैज लेफ्ट द पार्टी और नॉट। But the anti-defection law does not apply if the number of MLAs who leave a political party constitute 2/3 of the party's strength in legislature. These MLAs can merge with another party or become a separate group in legislature. देखिए 2/3 देख रहे हैं। अब इन लोगों का मैं बता दूं 55 MLAs है इस पार्टी का, ठीक है, महाराष्ट्र लेजिस्लेचर में
टू थर्ड्स का मतलब होगा 37 एमएलए चाहिए, ठीक है, 37 एमएलए चाहिए, अभी 35 एमएलए का सपोर्ट मिल गया है। गेटिंग द पॉइंट? यस, सही पॉइंट आया है यहाँ पे। 6 मंथ्स का ड्यूरेशन दिया गया नॉमिनेटेड, ये देखिए इंडिपेंडेंट एमएलए को देखिए, 6 मंथ्स ड्यूरेशन, इंडिपेंडेंट एमएलए कैन ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, दैट्स इट। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, उसके बाद एक बार टू थर्ड्स अगर अलग हो रहे तब बोला जाएगा अच्छा अच्छा ठीक है, यानी कि कुछ दिक्कत थी पार्टी में, टू थर्ड्स अलग हो गए तो यानी आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगा, दैट वाज इट। और ध्यान दीजिए, ठीक है, असेंबली का स्पीकर डिसाइड करेगा या लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा कि वो एमएलए डिस्क्वालिफाई हुआ है कि नहीं, डू यू एग्री? देखिए यहाँ पे, इट इज द असेंबली स्पीकर हु डिसाइड्स वेदर एन एमएलए हैज लेफ्ट द पार्टी और अ ग्रुप दैट कंस्टिट्यूट टू थर्ड्स ऑफ अ पार्टी। ये देखिए क्या ये स्पीकर का पावर है, मुझे बताइए। द पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली इज हाउएवर करंटली, द पोजिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली इज हाउएवर करंटली वैकेंट। ये देखिए, ये तो पूरे इंडिया का हाल चल रहा है, या तो स्पीकर का पोजीशन वैकेंट या लोकसभा में डिप्यूटी स्पीकर का भी पोजीशन वैकेंट। द लास्ट स्पीकर वॉज कांग्रेस लीडर हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट इन 2019। आर्टिकल 180, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यही देखिए सिलेबस पढ़ाया आप लोगों का, ये देखिए ठीक है, आर्टिकल 180 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट डिप्यूटी स्पीकर परफॉर्म्स द स्पीकर ड्यूटीज when the office is vacant, very important point, ye dekhiye, since then the deputy speaker has been acting as the speaker, he has to follow the rules of Maharashtra legislature, ye dekhiye, that lays down the process under anti-defection law, main bata dun aapko anti-defection, samvidhan mein keval broad rules set kiye gaye hain, uske baad speaker ka power set kiya gaya RPA act mein, and uske baad process kya hoga, ye sab सारे स्टेट और लोकसभा के लेजिस्लेचर में, लोकसभा के रूल्स में सेट किए गए। लेट मी टेल यू, यानी एंटी डिफेक्शन के, एंटी डिफेक्शन को लेकर, लॉ को लेकर जो प्रोविजंस हैं वो संविधान में भी पाए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, आरपीए एक्ट 1950-51, एंड साथ में स्टूडेंट्स द थर्ड पॉइंट इन द इंडिविजुअल स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड लोकसभा रूल्स एंड रेगुलेशन। लेट मी टेल यू, ये सवाल निकल सकता है, मैंने बता दिया, तीनों जगह पाया जा रहा है, ठीक है। एंड ये देखिए एंटी डिफेक्शन का लॉ क्या है, अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस टू वेज वुड लीड टू एडजुडिकेशन अंडर द लॉ, दो तरीके से अब कंप्लेन बैठेगा इसमें करंट सर्कमस्टेंसेस में। फर्स्ट, एनी एमएलए ऑफ द असेंबली कैन पिटिशन द डिप्यूटी स्पीकर दैट सर्टन एमएलए हैव डिफेक्टेड फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टी, यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी से लोग अलग हुए वहां का एक बंदा कोई जो अभी भी लॉयल है पार्टी का, वो कंप्लेन डाल सकता है डिप्यूटी स्पीकर के पास, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डाल सकता है कि ये लोग अलग हुए हैं, और उसके बाद उन पर एंटी डिफेक्शन का चार्जेस लगेगा, दैट्स इट, डिफेक्शन के चार्जेस लगेंगे, दैट्स इट, ठीक है। द डिप्यूटी स्पीकर वुड देन फॉरवर्ड द पिटीशन टू द एमएलए अगेंस्ट हुम देयर कोलीग्स आर मेकिंग द चार्ज ऑफ डिफेक्शन, देखिए उनको भेजा जाएगा गुवाहाटी में, देखो क्या यह सही है। द एमएलए वुड हैव 7 डेज, ये देखिए महाराष्ट्र लेजिस्लेचर में 7 डेज का टाइम है, देखिए यहाँ पे, और सच टाइम अलग अलग जगह अलग अलग टाइम, ठीक है, और सच टाइम दैट अ डिप्यूटी स्पीकर डिसाइड्स इज सफिशिएंट टू इनेबल देम टू पुट अक्रॉस द साइड ऑफ द स्टोरी। एट द सेम टाइम द रिबेल एमएलएस, देखिए दूसरा केस, ये पहला केस लॉयल एमएलएस की तरफ से चिट्ठी, दूसरा केस रिबेल एमएलएस की तरफ से, दे कैन ऑल्सो राइट टू द डिप्यूटी स्पीकर विद एविडेंस क्लेमिंग दैट टू थर्ड्स ऑफ द प्रेजेंट पार्टी स्ट्रेंथ हैज डिफेक्टेड एंड नाउ दे हैव सपोर्ट ऑफ टू थर्ड्स ऑफ एमएलएस, दैट्स इट। दोनों तरीके से कंप्लेन जा सकता है, और आप बताइए जो लॉयल पार्टी सपोर्टर्स हैं उनका क्या क्लेम रहेगा कि इनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत बर्खास्त किया जाए, और रिबेल एमएलए का क्या क्लेम रहेगा कि हमें एंटी डिफेक्शन के तहत बर्खास्त नहीं किया जाए, वी आर रिप्रेजेंटिंग मेजोरिटी ऑफ द पार्टी टू थर्ड्स, दैट्स इट। इज दिस क्लियर? टेल मी स्टूडेंट्स, इन इधर केस स्पीकर्स विल डिसाइड द मैटर आफ्टर हियरिंग ऑल पार्टीज विच कुड टेक टाइम। How much time does it usually take? ये देखिए। In the recent years, one of the fastest decisions in defection proceedings was delivered by Rajya Sabha Chairman Mr. Venkaiah Naidu. He decided on the defection of JDU MP Sharad Yadav and Ali Anwar in 3 months. But in state legislatures, defection petitions could take much longer. Much longer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 महीने आराम से, देखिए यहाँ पे।
But whether the speaker decides quickly or takes time, the speaker is usually challenged in the court, which further delays the decision. हमेशा speaker के decision पे court में challenge होता है, क्योंकि speaker किसको belong करता है? Ruling party को. Do you agree? Tell me in the chat box. तो जो opposition party होगी, जो defection हो सकता है करवाया गया हो या कुछ भी चल रहा हो, opposition party हमेशा लेकर जाएगी speaker के decision को कहाँ पे? Court में. और कोर्ट का मतलब होता है फिर लंबा चलेगा ये कंट्रोवर्सी. दैट्स इट. व्हाट इज गवर्नर रोल? ये देखिए, गवर्नर हैज अ क्रूशियल रोल एंड व्हेन देयर इज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अ स्टेट. बिफोर 1994 गवर्नर्स वर क्विक टू डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट, चार्जिंग दैट इट डिड नॉट हैव मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर एंड रिकमेंडिंग द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट. लेकिन 1994 में एक बहुत बड़ा केस आया, एसआर बम्बई केस कर्नाटक. 1999 में ये केस आया था और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट 1994 में, उसके बाद उस जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा है ना कि लेजिस्लेचर में फ्लोर टेस्ट होगा. फ्लोर टेस्ट? यस, अगर मेजोरिटी लूज किया है कोई सीएम तो फ्लोर टेस्ट करवा दीजिए, वोटिंग करवा दीजिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन करवा दीजिए. लेकिन ऐसे गवर्नर घर बैठे बैठे चाय और बिस्किट खाते खाते डिसाइड नहीं करेंगे कि कोई सरकार लूज किया है मेजोरिटी की नहीं. यू मस्ट हैव एविडेंस ऑफ फ्लोर टेस्ट. दैट्स इट. इज इट क्लियर? टेल मी स्टूडेंट्स. अब गवर्नर का पावर देखिए आ गए यहां पे. गवर्नर का पूरा पद ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है. ठीक है, फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, फ्लोर टेस्ट का मतलब आने वाला है इस टॉपिक में. गवर्नर पावर्स फ्लोर टेस्ट लॉ अंडर स्पॉटलाइट. ये देखिए, आइए पढ़ते हैं. एज द महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस कंटिन्यूज टू प्ले आउट विद द रूलिंग पार्टी हेडेड फॉर अ स्प्लिट, द चीफ मिनिस्टर पॉसिबली लूजिंग मेजोरिटी, द गवर्नर्स पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट टेक सेंटर स्टेज. शायद ऐसा कुछ हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ में, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में, याद कीजिए 1996 में 13 दिन की सरकार, कुछ याद है मुझे बताइए. फ्लोर टेस्ट क्या ऐसा होता है स्टेट गवर्नमेंट्स में? फ्लोर टेस्टिंग, यस. आर्टिकल 174 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर्स टू द गवर्नर टू डिसॉल्व द असेंबली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट किसका है? सीएम का. हाउएवर द गवर्नर कैन अप्लाई हिज माइंड, क्या बात है, व्हेन दैट एडवाइस कम्स फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर हुज मेजॉरिटी कुड बी इन डाउट, माइंड अप्लाई. ध्यान दीजिएगा, कर सकता है गवर्नर अगर सीएम साहब का मेजॉरिटी डाउट में चल रहा है. ऐसे ही गवर्नर माइंड अप्लाई कर रहे हैं, इसमें तो बहुत बिंदास माइंड अप्लाई होगा. गेटिंग द पॉइंट? टेल मी. सो आउट हियर, Don't you think this comes under discretionary powers of the governor? Let me know in the chat box, then only I'll proceed ahead. Discretion powers. दिमाग लगाने का मतलब होता है discretion लेना, खुद से decide करना. ठीक है, ये ऐसा ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही होगा. That's it. इसका मतलब है governor इस समय discretion में काम कर रहा है, discretionary power में. किसके अंडर में? खुद के अंडर में? No. गवर्नर कैन नेवर वर्क ऑन हिज और हर ओन डिस्क्रिशन. गवर्नर हैज टू वर्क ईदर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट मींस द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट. इस चीज को याद रखिएगा. और यही 2020 में सुप्रीम कोर्ट में केस गया था. मैं बता दूं आपको, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था मध्य प्रदेश में, ऐसा ही कुछ केस हुआ था. एग्री कर रहे हैं? वहां भी कोई सरकार थी, उसका मेजोरिटी गिर गया था और वहां पे भी उस पार्टी से कुछ लोग अलग हो गए थे. एक पार्टी का लीडर था, ठीक है, नाउ ही इज द कैबिनेट मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सुना है आपने? टेल मी, याद कीजिए. उसमें स्पीकर ने कॉल किया था फ्लोर टेस्ट के लिए और ध्यान दीजिएगा, इन 2020 द सुप्रीम कोर्ट इन शिवराज सिंह चौहान एंड अदर्स वर्सेस स्पीकर मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर्स अपहेल्ड द पावर्स ऑफ द स्पीकर टू कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट इफ देयर इज अ प्राइमा फेसी व्यू दैट द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी. स्पीकर कैन ऑल्सो कॉल फॉर द फ्लोर टेस्ट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे याद रखिएगा. ठीक है,
इसे याद रखिएगा, फ्लोर टेस्ट स्पीकर भी कॉल कर सकता है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। द गवर्नर इज नॉट डिन्यूटेड ऑफ द पावर टू ऑर्डर अ फ्लोर टेस्ट, गवर्नर का पावर नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन गवर्नर के अलावा स्पीकर भी फ्लोर टेस्ट ऑर्डर कर सकता है, यही लिखा हुआ इसमें, नथिंग एल्स। अंडर आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर कैन समन द हाउस एंड कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट टू प्रूव whether the government has the numbers or not. ये आर्टिकल याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 175 ये देखिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसके पहले आर्टिकल 174 ये देखिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके पहले स्टूडेंट्स ये देखिए हम लोगों ने स्पीकर में आर्टिकल 180, आर्टिकल 174, आर्टिकल 175, आर्टिकल 180 बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर महाराष्ट्र क्राइसिस, दिस व्हाट इज टेकिंग प्लेस नाउ इन द महाराष्ट्र स्टेट। Is it clear? Tell me students, मुझे बता दीजिए क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ। तो यही है इंडिया के जो पॉलिटिकल मैप है उसका इमर्जिंग इंपैक्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स पर, आर्टिकल 174, 175 और 180। अब ये भी सिलेबस में याद करना पड़ेगा अलग से, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये मेंस का क्वेश्चन यहां से निकलेगा, मैं कल मेंस का क्वेश्चन दूंगा, नो नीड टू वरी। लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस महाराष्ट्र क्राइसिस इन द कमिंग डेज एंड विल सी व्हाट क्वेश्चंस कैन कम आउट फ्रॉम दिस टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले पहला न्यूज, इजराइल अनकवर्स रिमेन्स ऑफ अ मोस्क, Discovery sheds light on region's transition from Christianity to Islam, says the official. Israeli archaeologist on Wednesday unveiled a rare ancient mosque, masjid mila hai Israel mein, in the country's south that the antiquities official said sheds light on the region's transition from Christianity to Islam. The remains of the mosque believed to be more than 1,200 years old. 1,200 saal pehle. अब मैं बता दूंगा आपको स्टूडेंट्स ये ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले क्रिश्चियनिटी आई थी वहां पे, उसके बाद जब इस्लाम का अराइवल हुआ इन द 6th एंड 7th सेंचुरी एनो डोमिनी, उस समय का ये मॉस्क दिखा रहा है इजराइल में प्रेजेंस कि इस्लाम हैड मींस द होल रीजन हैड कम अंडर द वेव ऑफ इस्लाम। द रिमेन्स ऑफ द मॉस्क बिलीव्ड टू बी मोर देन 1200 इयर्स ओल्ड वर डिस्कवर्ड during the works to build a new neighborhood in the Bedouin city of Rahat, Bedouins, ठीक है, and ये mosque located है Negev desert में। Negev desert क्या सुना है आपने? Negev desert is in Israel। ये आप पढ़े होंगे मैपिंग में, ध्यान दीजिएगा students। मैं केवल इसीलिए ये पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, ये देखिएगा। Negev desert is in Israel, very very important। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जुड़ जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इजराइल का कुछ याद है आपको लोकेशन, क्या वो आता है लिवांट रीजन में? मुझे बताइए लिवांट क्या इस बार आया हुआ? स्टूडेंट्स टेल मी इन द चैट बॉक्स, हैज द टर्म लिवांट कम इन द प्रीलिम्स? टेल मी, ये देखिए लिवांट इज द ईस्टर्न शोर्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी बेल्ट, ध्यान दीजिएगा, एंड इजराइल इज वन ऑफ द प्रीमियर कंट्रीज अपॉन द लिवांट रीजन। निगेव डेजर्ट वहीं पाया जाता है, एंड इसराइल से इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, एंड इसराइल से इंडिया ने सीखा है कुछ माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स। डू यू एग्री? टेल मी, माइक्रो इरिगेशन क्या? कुछ माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन आता है? टेल मी द चैट बॉक्स। ये इसराइल से ही सीखा है हम लोगों ने, एंड इसराइल ऑल्सो हैज अ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हैविंग विंटर रेन्स which lead to the growth of citrus fruits and grapes in the belt. Do you agree? मुझे बताइए। तो ये याद कर लीजिएगा टॉपिक स्टूडेंट्स, निगेव डेजर्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट अफगानिस्तान, कहते हैं ना जब बर्बादी आती है तो एक साथ, ये देखिए अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया, 1000 लोग मारे गए, 1500 लोग इंजर्ड। Afghanistan has been seeing crisis, humanitarian crisis in the last 1 year, and this will add up to the disasters and crisis. I hope you agree. Tell me, students. ठीक है,
एंड अर्थ को एक ये देखिए 6.1 मैग्नीट्यूड अर्थ के वाज सेंटर्ड इन रिमोट प्रोविंस नियर पाकिस्तान बॉर्डर। ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर के पास में एंड 1000 लोगों की डेथ इस जगह पे। ठीक है, ये प्रोविंस का नाम क्या, स्टेट का नाम क्या, पक्ति का याद कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेम्स भी इंटरनेशनल में इंपॉर्टेंट होगा। ये देखिए ईस्टर्न अफगानिस्तान में पक्ति का प्रोविंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझ लीजिए क्या ये अगर मेंस का टॉपिक देखिएगा, इसमें प्रीलिम्स के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, पक्ति का इज अ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्या ये सिग्निफाई कर रहा अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट, मुझे बताइए। क्या यहीं पे एक बेल्ट है हिंदू कुश बेल्ट ऑफ माउंटेन्स, मुझे बताइए इन द चैट बॉक्स, हिंदू कुश बेल्ट ऑफ माउंटेन्स, ये देखिए हिंदू कुश। एंड इज देयर, क्या इसी के नीचे हिंदू कुश माउंटेन्स के नीचे क्या इंडियन प्लेट, इज इट कन्वर्जिंग इन द यूरेशियन प्लेट, टेल मी इन द चैट बॉक्स। इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट आर कन्वर्जिंग इन दिस बेल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही वजह है यहां पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। इज इट अ कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, लेट मी नो। एंड ये क्या दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, मुझे बताइए, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। मैंने ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाया आप लोगों को ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी सेशंस ऑन अनअकैडमी ऐप, देख लीजिएगा, और उसका रिजल्ट अर्थक्वेक यहां देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स। सो डिजास्टर्स में लिंक कर लीजिएगा इसे। इज दिस डिजास्टर गोइंग टू इंपैक्ट द रेफ्यूजी स्टेटस ऑफ अफगानिस्तान, टेल मी स्टूडेंट्स, क्या ये रेफ्यूजीज बढ़ेंगे यहां से, भाग के जाएंगे बाहर, देखिए कितना खराब कंडीशन यहां पे। तो रेफ्यूजीज का राइज होगा अफगानिस्तान के बाउंड्रीज पे, ये भी लिंक करना मेंस के टॉपिक में, मैं बता दूं आपको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये देखिए, वर्स्ट ट्रेमर्स दैट शुक द नेशन, ये देखिए हिंदू कुश, ये 1991 से फेमस अर्थक्वेक्स यहां देखिए लिखा हुआ है, हैव अ लुक। नेक्स्ट देखिए पाकिस्तान, उसके बगल में एक जगह अर्थक्वेक आया और एक जगह पाकिस्तान ने IMF डील सिक्योर किया। ये देखिए पता नहीं क्या इसी को सुनकर आ गया क्या, ये देखिए कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान हैज सिक्योर्ड अ डील विद द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड टू रेस्टोर द स्टॉल्ड $6 बिलियन असिस्टेंस पैकेज। $6 बिलियन असिस्टेंस मिलने वाला पाकिस्तान को, क्यों, क्योंकि अब लगभग पक्का हो गया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आएगा। ये देखिए आपने एक चीज ध्यान दिया स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सुना है आपने, टेल मी, उसका ग्रे लिस्ट सुना है, टेल मी सुना है आपने, थोड़ा याद कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान वॉज ऑलवेज ऑन द ग्रे लिस्ट, डिड यू सी इट, एंड पाकिस्तान ने जितना भी किया हो कुछ भी उसको ग्रे लिस्ट में ही रखा गया था। जोसेफ बाइडेन के आने के बाद से मॉडरेशन शुरू हुआ पाकिस्तान की तरफ, US ने दोस्ती बढ़ानी शुरू की पाकिस्तान की तरफ, और अब देखिए ग्रे लिस्ट से FATF के हट जाएगा पाकिस्तान इस सेप्टेंबर में, बता दूं आपको। एंड साथ में ठीक है, एंड साथ में पैसा भी मिल रहा है। डज इट पॉइंट आउट टूवर्ड्स दैट US का इंटरनल पॉलिटिक्स इज इंपैक्टिंग द ग्लोबल पॉलिटिक्स, टेल मी इन द चैट बॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, US पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स इंपैक्ट्स द ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये देखिए पाकिस्तान के साथ क्या होगा ये डिपेंड करता है कि वहां पार्टी कौन जीतेगी। ये देखिए एग्री कर रहे हैं मुझे बताइए। तो वापस पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ रही है, और US का कंसेप्ट ये है इंडिया से जितनी दोस्ती रखें वैसी थोड़ा पाकिस्तान से रखें, सबसे दोस्ती रखें, जिससे कि इस बेल्ट में साउथ एशिया में हमारा प्रेजेंस बना रहा है, ये US सोच रहा है। ध्यान दीजिएगा US इज वेरी क्लेवर, एंड एक्सटर्नल रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है इंटरनल पॉलिटिक्स। ये देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इंडिया रशिया शुड हैव डायरेक्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स। आप एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि इंडिया एंड रशिया रिलेशंस में हम लोगों ने बार बार पढ़ा हुआ है, इंडिया एंड रशिया रिलेशंस आर वेरी नैरो फोकस्ड ओनली ऑन डिफेंस एंड साइंस एंड टेक एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ध्यान दीजिए तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया रशिया रिलेशंस आपको ये डोंट यू थिंक दैट हम लोग बार बार ये पढ़े हुए हैं, रशिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, इंडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है रशिया के लिए। ठीक है,
ठीक है, बट साथ में चैलेंजेस भी हैं, एंड इंडिया रशिया रिलेशन शुड डाइवर्सिफाई इटसेल्फ। हम लोगों ने बार बार पढ़ा ये चीज, एग्री कर रहे हैं डाइवर्सिफाई, उसी को लेकर ये न्यूज आया। देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यूज आया है, रशिया के कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहे हैं दैट मॉस्को एंड न्यू दिल्ली शुड पुश फॉर न्यू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज एंड शुड फोकस अपॉन इंक्रीज्ड कोऑपरेशन इन ऑल द फील्ड्स। ध्यान दीजिएगा, तो कुछ ज्यादा खास नहीं, लेकिन ये एक्सप्रेस में आया हुआ है, बस थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आई देखते हैं स्टूडेंट्स, स्नेक आइलैंड ब्लैक सी में यूक्रेन ने बॉम्बार्ड किया है। ठीक है, अब ये डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना याद रखना है कि स्नेक आइलैंड कहां पे है, ब्लैक सी में, उसका नाम क्या है। रियलिटी में स्नेक आइलैंड ऐसी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका आकार स्नेक की तरह, सांप की तरह है, ठीक है, लेकिन उस आइलैंड का नाम है जिमिनी। ये देखिए जिमिनी, दिस आइलैंड इज प्रेजेंट इन ब्लैक सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये देखिए ब्लैक सी, क्या ये याद रहेगा मुझे बता दीजिए। जिमिनी आइलैंड पेयर्स में आ जाएगा, जिमिनी आइलैंड ब्लैक सी, ठीक है, याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है यहां से। ठीक है, इतना पढ़ लिया काफी है। अब वो बॉम्बार्ड किया कि रशिया यूक्रेन में क्या हुआ, कि रशिया गया कि नहीं वहां पे, ये सब नहीं पढ़ना, ये सब रशिया सिविल सर्विसेज में पढ़ना होगा। वहां पे हमें केवल इतना याद रखना है कि ये जिमिनी आइलैंड ब्लैक सी में, इसका एक निकनेम है दिस स्नेक आइलैंड। आइए आगे बढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। पहला न्यूज ये देखिए यहाँ पे, $1 trillion स्कोप फॉर डिजिटल इकोनॉमी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। ठीक है, Changes unfolding in India never been seen before on the world stage. India's digital economy and infrastructure sector has a total potential of $2.5 trillion, the Prime Minister has said in the BRICS Business Forum meeting. मैंने कहा ना, BRICS का मीटिंग होने वाला था, हो गया देखिए। और BRICS के मीटिंग में बातचीत पूरी होती है, implementation zero होता है। मैं बता दूं आपको BRICS के सारे countries का, क्या आपको ये बात पता है, मुझे बताइए। ठीक है, इंडिया की तरफ से ये पुट किया गया स्टेटमेंट इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी के लिए, एंड यस, इंडिया डिजिटल इकोनॉमी इज राइजिंग लाइक नेवर बिफोर, आप भी अग्री कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, द ब्रिक्स समिट इज बीइंग हेल्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस व्हिच फाउंड रिफ्लेक्शन इन द रिमार्क्स बाय मिस्टर जी जिनपिंग हु होस्टेड द फोरम एज चाइना इज द ब्रिक्स चेयर दिस ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिक्स चेयर। ये देखिए, He appeared to implicitly criticize NATO and the West over the Ukraine crisis. Pakistan ka asar dikh raha hai China ke upar. Pakistan hota hai na, that kahin bhi jayega, UN mein jayega, theek hai. Shanghai Cooperation Organization mein jayega, theek hai. Ya ASEAN mein jayega, okay. Ya International Court of Justice mein jayega. Har jagah ek hi mudda. We won't talk about Kashmir. We want to talk about Kashmir. US Donald Trump ने कहा भी था that अरे ये global stage है, यहाँ कुछ और बात करो। और वही चीज अभी चाइना को बीमारी लग गई। देखिए, BRICS का मीटिंग हो रहा है, BRICS के बारे में फुल फॉर्म भी नहीं बोल रहा है चाइना, और सीधे बोल रहा है NATO is wrong, Ukraine crisis पे US is wrong। ठीक है, Getting the point. Now, don't you think this undermines that organization? मुझे बताइए चैट बॉक्स में। ठीक है, This undermines BRICS. अरे तुम BRICS की मीटिंग में, ये वही बात हो गई, तुम जा रहे हो जिस समिट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के समिट में, तुम बात कर रहे हो कहीं और का। ठीक है, So this undermines that organization. और देखिए, नेगेटिविटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ने नहीं देती उस ऑर्गेनाइजेशन को। डू यू एग्री? यहां बातचीत करनी चाहिए थी कैसे हम लोग कोऑपरेट करके आगे बढ़े। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को आगे बढ़ाएं, साथ में कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को आगे बढ़ाएं, बट चाइना की तरफ से कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं। बिजनेस फोरम की मीटिंग होती है और टॉक्स होता है नेटो का, सोचिए। गेटिंग इट, सो दिस इज वॉट इज मेकिंग द ब्रिक्स अ फेलियर बिकॉज ऑफ चाइनाज स्टांस। आई होप यू एग्री स्टूडेंट्स। रशिया भी नहीं बोल रहा है, ठीक है, चाइना बोल रहा है वहां। ठीक है, तो चाइना देखिए क्या कहा है शब्द यहां पे, ब्लॉक कन्फ्रंटेशन, वो इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए। देखिए, अब ऐसे तो दोस्ती बढ़ने से रही, ठीक है, कि आप पानी दे रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं कि मनी
आप जैसे कोई गेस्ट आया, आपने कहा, या आप गए किसी के यहाँ तो किसी ने कहा कि लो खाना खाओ और पानी पियो, ठीक है। फिर किसी ने पूछा कि अभी तैयारी कितने दिन कर रहे हो, तुरंत उठ के चलने का, उठने का, उठ के निकलने का मन करता है। नहीं, ये वही बात हो गई यहाँ पे, बातचीत कर रहे हो इकोनॉमी का और उसी में ब्लॉक कन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हो। इट ही वॉज टारगेटिंग इंडिया, आई होप यू एग्री, टेल मी स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़े। मैंने ये इतना डिटेल क्यों किया इस पे, ये सिग्निफाई कर रहा है क्यों ऑर्गेनाइजेशंस फेल करते हैं, बिकॉज सारे कंट्रीज के वेस्टेड इंटरेस्ट अंडरमाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला टॉपिक, ये देखिए स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट डेफिसिट नैरोज टू 1.5% ऑफ जीडीपी इन क्वार्टर फोर। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या करंट अकाउंट डेफिसिट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? कल हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स, मुझे बताइए करेंट अकाउंट क्या होता है? कल मैंने देखा था ट्रेड अकाउंट एंड इनविजिबल अकाउंट, क्या उसे अंदर में, क्या उसे लिमिट में रखना चाहिए, मुझे बताइए। यस, अच्छा मुझे बताइए स्टूडेंट्स, करेंट अकाउंट सरप्लस, सरप्लस, करेंट अकाउंट सरप्लस, ध्यान दीजिएगा, सरप्लस फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, इज इट ओके और रॉन्ग? टेल मी, करेंट अकाउंट सरप्लस फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट फॉर अ डेवलप्ड कंट्री, करंट अकाउंट सरप्लस इज गुड और बैड? सरप्लस इज ऑल्सो बैड, लेट मी टेल यू, फॉर दिस डेवलपिंग कंट्री। अगर अगर ट्रेड अकाउंट सरप्लस में चल रहा है तो, ये देखिए, अगर ट्रेडिंग अकाउंट सरप्लस में चल रहा है अलॉन्ग विद द करंट अकाउंट सरप्लस, ठीक है, देन इट्स बैड। अगर इनविजिबल अकाउंट सरप्लस में चल रहा है करंट अकाउंट सरप्लस के साथ में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड अकाउंट सरप्लस होगा तो क्यों खराब है? इट सिग्निफाइज की डिमांड ही नहीं वहां के लोगों का। एग्री कर रहे हैं? मुझे बताइए, ये वही बात हो गई कि आपने कहा कि आपसे पूछा गया, आप इंडिया के हैं, आपसे पूछा गया, ठीक है, मींस हम लोगों से पूछा गया दैट तुम्हारे यहाँ करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है, क्या डिमांड्स नहीं है तुम लोगों की बाहर की चीजों की? नहीं नहीं हम लोग खाना खाना छोड़ दिए हैं, पेट्रोल डालना छोड़ दिए हैं बाइक में, ठीक है, या पाम ऑयल का बना समोसा खाना छोड़ दिए हैं, यानी जिंदा रहना ही छोड़ दिए हैं। तो जब जिंदा रहना छोड़ोगे तभी ना जाएगा इंपोर्ट जीरो, ठीक है, कोई डिमांड ही नहीं है, ठीक है, और जब इंपोर्ट जीरो जाएगा, एक्सपोर्ट जाएगा, तो करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा, ट्रेड अकाउंट सरप्लस में जाएगा, ठीक है। सो ट्रेड अकाउंट सरप्लस फॉर एनी डेवलपिंग कंट्री विद सच अ डिक्रीज डिमांड इज नॉट गुड। इसीलिए जब भी कोई करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस की बात करता है उसमें कॉम्पोजिशन जरूर देखिए। डू यू एग्री? कॉम्पोजिशन हैज टू बी सीन। कॉम्पोजिशन, क्या चीजें इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, क्या चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, ये देखिए। और कहा जाता है कि अ माइनर करंट अकाउंट डेफिसिट इज गुड फॉर एनी कंट्री शोइंग इंक्रीज डिमांड। डू यू एग्री? टेल मी, ठीक है, शोइंग इंक्रीज डिमांड ऑफ गुड्स, यस दैट इज नीडेड, ठीक है, एग्री कर रहा है कि नहीं बताइए मुझे। कॉम्पोजिशन जरूरी है देखना कि ट्रेड अकाउंट सरप्लस में है या डेफिसिट में है, ठीक है। अब इंडिया का ट्रेड अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, यह चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात है कॉम्पोजिशन। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग पेट्रोल पर डिपेंडेंट है, क्रूड ऑयल पर, हम लोग एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ये तीनों चीजें चिंता की बात है, और हम लोग रॉ मेटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये चिंता की बात है। इट शुड बी वाइस वर्सा, वी शुड बी इंपोर्टिंग रॉ मेटेरियल एंड एक्सपोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स। हम लोग सेमी कंडक्टर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हैं, चिंता की बात है, ठीक है। दिस सिग्निफाइज दैट द कंट्री इज हैविंग अ दिस द ट्रेड इज प्रॉब्लमैटिक फॉर इंडिया। यस, सऊदी अरब का एक टॉपिक है, सऊदी अरब का करंट अकाउंट सरप्लस होगा, तो सर वो तो अच्छा है? नहीं, गलत है। कहा किसने कहा? सऊदी अरब माइट हैव सीन ह्यूज ग्रोथ, क्या डेवलपमेंट है वहां पे, मुझे बताइए, मुझे तो नहीं दिखता डेवलपमेंट भाई, ठीक है। अगर अगर आप वहां पे यूएई या सऊदी अरब में, यूएई की बात छोड़ दीजिए, यूएई अब डेवलपमेंट कर रहा है, आप बड़ा सा बिल्डिंग बना दीजिए, रोड बना दीजिए डेजर्ट में, ठीक है, हवाई पट्टी बना दीजिए, सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना दीजिए वर्ल्ड का, ठीक है, रियाद में है, क्या ये सिग्निफाई करता है डेवलपमेंट? टेल मी, इट ओनली सिग्निफाइज ग्रोथ। डेवलपमेंट इज व्हेन द पीपल एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन इंक्रीजेस विद द ग्रोथ। डू यू एग्री? टेल मी, ठीक है। तो सरकार के पास पैसा ही पैसा है और लोग वहां पे ऐसे रोटी देख रहे हैं, तो चिंता की बात है ना। सऊदी अरब इज नॉट सीइंग डेवलपमेंट, इट इज ओनली सीइंग ग्रोथ। क्या मैंने ये टॉपिक डिटेल में डील किया है इंडियन इकोनॉमी सेशंस में, मुझे बताइएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये देखिए, कॉपर, कॉपर का वायर। ये देखिए स्टूडेंट्स, कॉपर वायर जलाकर यहाँ पे ये न्यूज आया है। देखिए बस, ये मुझे पिक्चर दिखा सेकंड पन्ने पर। ठीक है, दिस सेकंड पन्ने पे ये न्यूज दिखा, ये पिक्चर दिखा मुझे द हिंदू में। तो डेंजरस ट्रेंड, रैग पिकर्स बर्निंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टू एक्सट्रैक्ट कॉपर एंड मेक अ लिविंग बाय सेलिंग द मेटल ऑन द कृष्णा रिवर बेड इन विजयवाड़ा। ये देखिए, क्या ये पॉल्यूशन कॉज कर रहा है मुझे बताइए स्टूडेंट्स, टू मिनट्स, क्या ये पॉल्यूशन कॉज कर रहा है? यस, ये देखिए, क्या इससे इन बच्चों को भी दिक्कत है जो बच्चे बर्न कर रहे हैं मेटल को? इज इट कॉजिंग मेटालिक पॉल्यूशन इन द वॉटर ऑल्सो, मेटालिक पॉल्यूशन? ये देखिए, एंड बर्निंग कॉपर रिलीजेस टॉक्सिन्स इन द एयर एंड लीव्स अ मार्क ऑन द ग्राउंड। ये देखिए, तो कॉपर के एप्लीकेशन होगा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, कॉपर का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है पावर ट्रांसमिशन लाइंस एंड इलेक्ट्रिक वायर्स। डू यू एग्री? टेल मी, बिजली की कोई भी चीज हो उसमें कॉपर लगना ही लगना है, इंक्लूडिंग स्पार्क प्लग, केबल, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, ऑल दिस आर एप्लीकेशंस ऑफ कॉपर। डू यू एग्री? टेल मी। और ये साफ साफ सिग्निफाई कर रहा है ह्यूज मेटालिक पॉल्यूशन इन द कृष्णा रिवर बेड, मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चिंता की बात है, ये देखिए, इसको जरूर से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टॉपिक, ये मेटालिक पॉल्यूशन कैन कम अप इन द नेक्स्ट ईयर। उसमें आर्सेनिक देखना है आपको, फ्लोराइड देखना है जो पॉइजनिंग, ठीक है, लेड पॉइजनिंग, मर्क्यूरी पॉइजनिंग एंड दिस कॉपर। यस, स्मेल्टिंग न्यूज से आप लिंक कर सकते हैं इस न्यूज को। ठीक है, क्या ये क्लियर स्टूडेंट्स? ये कॉपर वायर्स का बर्निंग, उसके पहले $1 trillion फॉर डिजिटल इकोनॉमी, उसके पहले करंट अकाउंट डेफिसिट नैरोज, उसके पहले ये देखिए स्नेक आइलैंड इन ब्लैक सी, उसके पहले इंडिया रशिया कोऑपरेशन, उसके अलावा स्टूडेंट्स पाकिस्तान IMF डील, एंड उसके बाद अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान एंड इजराइल में, निगेव डेजर्ट में नया मॉस्क मस्जिद डिस्कवर किया गया, उसके पहले एंटी डिफेक्शन लॉ एंड गवर्नर्स रोल मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड साथ में ये देखिए फुमदीज इन केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लेक लोकताक मणिपुर, एंड साथ में न्यू कोरल्स इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। विद दिस आई विल एंड द सेशन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। टेल मी, द PDF विल बी अवेलेबल विद इन 10 मिनट्स ऑन टेलीग्राम चैनल Unacademy _ अनुराग सिंह, जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री PDF फर्दर अपडेट्स। नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स, टेक केयर, आई विल एंड द सेशन।